साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने जीवन की दूसरी जंग किहड़े स्थान पर लड़ी, किस दे नाल लड़ी, तो उस जंग का कारण की सी, क्या आप जानना चाहोगे? गुरु फतेह की सांझ नाल एक नवे दिन की शुरुआत आनंदपुर साहब जी दे एक छोटे जिहा पिंड विचों सारियां संगतां नाल जिहड़ियां कि देश विदेश विच बैठ के साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी साडे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर के नाल ही PTC सिमरन के उत्ते रोज़ाना वेखते हैं। आप सब का जी आया नूं बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नवा दिहाड़ा चढ़िया है एक नवे स्थान पर जाने वास्ते, तो असी तैयार है आप सबनों लै जाने वास्ते उस स्थान के उत्ते जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश के एक पिंड सलूरी दे विच शोभायमान हैगा। उत्थे दशम पातशाह का एक गुरद्वारा साहब है जिहदे नाल एक सोहना जिहा इतिहास जुड़िया हुआ हैगा। अज्ज दे गुरद्वारे का इतिहास दो गुरद्वारा साहब नाल जुड़िया हैगा, एक सलूरी का गुरद्वारा जिथे असीं चले हाँ, एक नदौण का गुरद्वारा जिथे असीं आप जी नूं अगे लैके जावांगे। दोनों गुरद्वारा साहब का इतिहास नदौण की जंग नाल जुड़िया हुआ है, जिहड़ी कि धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के जीवन की दूसरी जंग सी। बहुत इंट्रस्टिंग हैगा यह जानना जिहड़ा कि असीं अगे जाके जाणांगे कि यह जंग का कारण की सीगा, तो यह जंग होई किस दे नाल, ते गुरु साहब जी ने इस जंग वास्ते किस दी मदद की थी। ए बहुत सारिया रोचक चीज़ा ने जिहड़ियां कि आने वाले दो एपीसोड्स विच आप जी देखोगे, इतिहास जाणोगे, तो दोनों इतिहासिक स्थानों का आप जी दर्शन भी करोगे। तो सब तो पहले चलने है गुरद्वारा श्री दसवीं पातशाही जी सलूरी, जिहड़ा कि आनंदपुर साहब जी तो तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आओ चलो तुसी भी साडे नाल यात्रा का आनंद माणो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया वे, तेरी माज चो वे तेरी फाज चो। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, तेरी माज चो वे तेरी फाज चो। बाबा मिलनो दलेरिया, वावा रमजा, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। ज्योंदिया दे विच करिया सी जोश ऐसा भरिया सी। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, कर कोई ना सकदा यो, जो तुसाने करिया सी जी गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो। गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो, दाता मिलनो बथेरिया, वावा रमजा, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। बाबे मौत मूरे अड़ गए सी, जुल्मा दे नाल लड़। आनंदपुर साहब तो चाले पा के हुण असीं पुज्जण लगे हैगे आ, तकरीबन 55 किलोमीटर का सफ़र तय करके पिंड सलूरी जिथे त
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਦੌਣ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਬੈਜਨਾਥ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਸਾੜਾ। ਕੁਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਕੁਸਾੜਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਸਲੂਰੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਲੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਜ ਚੋਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਫਾਜ ਚੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਮਾਜ ਚੋਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਫਾਜ ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਲੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਲੂਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ। ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ, 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, 4-5 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਛ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਤਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਜੀ।
ही प्राण सुख दाते अब नासी अवगत स्वामी पूरण पुरख विदाते पूरण पुरख विदाते निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका जागत ज्योत जपे निस्वास जागत ज्योत जपे निस्वास एक बिना मन नेक नाने एक बिना मन नेक नाने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मडी मट फूल न माने फूल न माने फूल न माने जागत ज्योत जपे निस्वास जागत ज्योत जपे निस्वास एक बिना मन नेक नाने एक बिना मन नेक नाने एक बिना मन नेक नाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मैं नैणी नींद ना आवे मैं नैणी नींद ना आवे पानी अन्न पावे मरिए खावे बिन पिर क्यों सुख पाइए सुख पाइए मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी संगत जी आओ हुण आप जी नाल असी सरवण करने हैगे आ गुरद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पातशाही दसवीं सलूरी दा इतिहास इतिहासकार दसदे ने कि तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिस वक्त आनंदपुर साहब तो नदौन जा रहे सीगे ते वो स्थान दे उत्ते रुकते ने स्थान दे उत्ते उना दे जान तो बाद एक छोटा जा गुरद्वारा साहब बनाया जाता हैगा जिदे बारे विच आख्या जाता हैगा कि वो 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक स्थान सीगा एक छोटी जी कुटिया सीगी जिदे अंदर एक छोटा जा चबूतरा सी ते उस चबूतरे दे उत्ते गुरु साहब बैठे सीगे सन 1829 दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी वो स्थान ते पुजदे ने ते स्थान की उसारी कराते हैं तो एक छोटा जहाँ गुरुद्वारा साहब इतने बनाया जाता है समय गुजरता है इतिहासकार दसते हैं कि 1988 स्थान के उत्ते यानी कि पहाड़ी इलाके एक बहुत बड़ा फ्लड आता है यानी कि हड़ आता है जिस फ्लड करके इतने पहाड़ी इलाके बहुत वही तबाही मचती हैगी क्योंकि गुरुद्वारा साहब एक उचे स्थान के उत्ते शोभायमान सीगा इस करके उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता पर गुरद्वारा साहब की पिछे की दीवारों में तरेड़ पै जाती हैगी उस तो बाद स्थान की सेवा संभाल की जाती हैगी कार सेवा वाले बाबे जेडे कि आनंदगढ़ साहिब किले की सेवा करते हैं वो स्थान की भी सेवा करते हैं
तो हुण आप जी देख सकते हैं इत्थे एक सोहना जिहा गुरद्वारा साहब शोभायमान है जिहड़ा कि उस वक्त दे इतिहास की गवाही दे रहा है। हुण आप जी नाल असीं सरवण करने हैगे आ गुरद्वारा साहब के नाल संबंधित गुरु साहब जी का इतिहास। उहदे वास्ते सानू इतिहास के पन्नियां विच थोड़ा पिछे जाना पएगा। सन 1690 का उस समय जिस वक्त औरंगजेब दखण दे विच मराठिया नाल अपनी सल्तनत कायम करन दी जद्दोजहद विच सीगा। 8 साल गुजर चुके सीगे लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा सी। हौले हौले करके औरंगजेब दा खजाना खत्म हो रहा सीगा ते फौज ते अनाज दे लई उनू पैसियां दी लोड़ सीगी। उन्हें अपने सारे सूबेदारां नू जिन्हें भी सूबे सीगे उहदे सूबेदारां नू एक हुक्मनामा जारी किया कि जिवें किवें करके भी तुसी पैसों का इंतजाम करो, बहुत जरूरी है पैसे फौज लई। सारे सूबेदारा ने अपने अपने तौर पर पैसों का इंतजाम शुरू किया। उस वक्त कश्मीर का सूबेदार जिहड़ा सी उसने अपने एक सरदार मियाँ खान नू कश्मीर तो भेजा पहाड़ी राजे जिहड़े सीगे उन्हां तो लगान वसूल करन वास्ते। पहाड़ी राजे इत्थे दे 22 तार दे राजे जिन्हां नू आख्या जांदा सीगा वो सारे कट्ठे सीगे ते उन्होंने काफ़ी समय तो सरकारी कर जिहड़ा सीगा जिन्हों लगान कहिंदे सीगे वो नहीं चुकाया सीगा। मियाँ खां कश्मीर तो आंदा है तो वह जम्मू च रुक जाता है तो वह अगे ना जाके वह अपने भतीजे अलफ खां नू भेजदा हैगा 22 तार दे राजां तो कर वसूल करन वास्ते। अलफ खां जिस वक्त इत्थे पहुँचता है तो कांगड़े विच आके रुकता है तो वह राजा कृपाल चंद नू मिलता है तो उन्हों कहता है कि तुसी पैसे जमा कराओ सरकारी खजाने विच जल्द तो जल्द। कृपाल चंद जिहड़ा सीगा वो बड़ा ही चतुर राजा सीगा। वो अलफ खां नू सलाह देंदा है कि भीम चंद जिहड़ा कि 22 तार दे राजां चों सब तो बड़ा राजा सीगा तुसी उस तो पहले कर वसूल करो तो जे वह देगा तो सारे दिन नू तैयार हो जाएंगे। हुण यह खबर भीम चंद तक पहुँचती हैगी। भीम चंद यह खबर सुन के बड़ा ही बौखला जाता है तो उसनू उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आता कि की किया जाए क्योंकि मुगल फौजां दा सामना करना 22 तार दे राजां दे वास्ते कोई आसान काम नहीं सीगा। उस वक्त उन्हां नू इक्को हीला नज़र आता हैगा कि किसी तरीके नाल मदद मंगी जाए तो उन्हां दी मदद धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के अलावा होर कोई नहीं कर सकता सीगा। पंगाणी दे युद्ध तो बाद भीम चंद ने गुरु साहब को माफ़ी भी मंगी सी ऐसा इतिहासकार दसते हैं। भीम चंद अपने वजीर नू गुरु साहब को भेजता है बेनती करन वास्ते कि वो आके उन्हां दी रक्षा करन। मेरे पिता दया दे पुंज बख्शनहार दाता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वो तो बहुत ही दयालु सीगे। उन्होंने जिस वक्त भीम चंद की पुकार सुनी तो वह फौरन उदी रक्षा लई तैयार हो गए। उन्होंने सिंघां नू आदेश दिता 500 सिख योध्या का एक जत्था लै के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहलूर दे राजे भीम चंद की रक्षा करने आनंदपुर साहब तो निकल पैंदे ने ते जिस स्थान के उत्ते आके वो अपना पहला पड़ाव पाते ने वो सीगा सलूरी जिथे कि असी इस वक्त बैठ के आप जी नू इत्थे दा इतिहास सरवण करा रहे हैं। इस स्थान पर गुरु साहब रुकते ने ते उसके बाद अगे उचाले पाते ने नदौन जाण वास्ते। कुछ इतिहासकारां दा यह भी लिखना हैगा कि इस स्थान के उत्ते गुरु साहब दो वारी आए, एक वारी नदौन जाण वक्त ते दूसरी वक्त नदौन तो आण वक्त। सो यह सीगा इस स्थान का एक छोटा जिहा इतिहास। गुरु साहब जी दे चरण इत्थे पए इस करके यह स्थान साड़ी पूजा दे योग है, साड़ी अरदास दे योग है। आप जी नू इस स्थान का इतिहास दसना इस करके जरूरी सीगा क्योंकि इहदे नाल एक पिछला इतिहास जोड़िया हुआ सीगा कि क्यों यह जंग होई या इहदा कारण की सीगा। ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिहड़े दयालु पिता सी उन्होंने भीम चंद नू बख्शिया ते उहदी मदद लई राजी होए ते इस स्थान दे उत्ते आके रुके। सो यह सीगा इत्थे दा छोटा इतिहास जिहड़ा आप जी ने सरवण किया। आप जी नू इतिहास सरवण कराते वक्त जे दास कोलों कोई गलती होई होए तो उहदे वास्ते क्षमा दे याचक हैगे आ। अगे तो कोशिश करांगे गुरु साहब बख्शिश करन, मेहर करन ते सच्चा सुच्चा इतिहास आप जी नाल सांझा कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई सेवे गोसाइया, कोई सेवे गोसाइया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदा।
संगत जी, गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पातशाही दसवीं सलूरी जिहड़ा कि ऊना में सी, आप जी ने दर्शन कराने तो बाद हुण असी चाले पाण की तैयारी कर रहे हैं एक होर नवे स्थान पर जाने वास्ते। तो वह अगला स्थान होएगा नदौण। नदौण जाने वास्ते सानू इतों 3-4 घंटे लगनगे। चलने है नदौण, आप जी कराने उस स्थान के भी दर्शन, तो दसांगे उत्थे दा भी इतिहास। आप सारिया संगतां दा एक बार फिर दिलों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़ा इन्हें प्यार नाल साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर के नाल ही PTC सिमरन से रोज़ाना वेखते हैं। अपना प्यार इसी तरीके बनाई रखो, साढ़े प्रोग्राम शेयर करो वध तो वध ताकि लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा पहुँच सके। कल आप जी फिर मुलाकात होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वाहिगुरु जी वाहिगुरु, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया वे, तेरी माज चो वे तेरी फाज चो, वाहिगुरु जी वाहिगुरु, तेरी माज चो वे तेरी फाज चो, बाबा मिलनो दलेरिया, वावा रमजा, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ।